पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को अक्सर पुरुष के मुकाबले कम ही देखा जाता है, जबकि मौजूदा समय महिलाएं पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। जिला होशियारपुर के कस्बा महिलपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर लेक्चरर ड्यूटी कर रही 59 वर्षीय दविंदर कौर ने देश व विदेश में हुए विभिन्न एथलेटिक्स मुकाबलों में 91 सोने, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। जिला होशियारपुर के कस्बा महिलपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर लेक्चरर ड्यूटी कर रही 59 वर्षीय मैडम दविंदर कौर का जन्म नवंबर 1959 में गांव खम्बोवाल में हुआ। गांव के सरकारी स्कूल से मैट्रिक की और इसी दौरान 1971 में पहली बार लुधियाना में हुई सीनियर्स के 1500 मीटर दौड़ में भाग लिया। उस समय 6वीं क्लास में पढ़ती थी, वहां 4था नंबर आया और सोने का मेडल कंसोलेशन इनाम मिला। इसके बाद स्पोर्ट्स करियर शुरू हुआ। इसी तरह दविंदर कौर पढ़ाई के साथ साथ एथलेटिक्स में भी भाग लेती रही, इनाम जीते और इस दौरान सीपीएड डीपीएड की पढ़ाई की। 1982 में जनता मॉडल स्कूल में अध्यापक की नौकरी की और करीब 1 वर्ष के बाद वहीं पर प्रिंसिपल बनी। 1987 में जवाहर नवोदय विद्यालय में नौकरी मिल गई। 1 वर्ष के बाद सरकारी नौकरी 5 अगस्त 1988 को गांव मेघोवाल में मिली। इसी दौरान इन्होंने एमपीएड, एमए पंजाबी और बीएड की। जी सर, मैं हम तक 100 मेडल जीत चुकी हूँ, जिन्होंने नेशनल 23 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल सॉरी। बाकी एशिया में गई हूँ मैं, एशिया वाइज फेडरेशन ने साडा ना वीजा नहीं लगाया। मैं नवी शुरू में पैसे खर्च के वीजा लगवाया, वीजा लगवा के 3 दिन तक मैं अपने बेटे को बैठी रही। तो उस बाद बेटे ने मेरे वीजा लगवाया तो मेरे सारे ईवेंट लग चुके। एक ईवेंट मेरा रहा 1500 मीटर रेस, तो मैं जाते मेरे लूज मोशन लग गए, तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। तो बावजूद भी जो मैं रेस लानी सी, मेरे नाल एक मैडम गए थे, वो कहते तू तो कमरे च रहना, तू बाहर नहीं आना। पर मैं उन्होंने तो चोरी चोरी अपने कमरे चो आ गई। जो तो मैं बल में खोई तो अपने ट्रैक के बच्चे आई तो मेरे हाथ इदा ही मुड़ गए थे, मेरे अंगूठे अंदर कमजोरी के नाल। पर मैं अपना हौसला नहीं हारा, ये बावजूद भी मैं 1500 मीटर